जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टार्ट्स गुरुजी पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया वुमन वर्सेस इंडिया वुमन सेकंड T20 मैच रिव्यू के बारे में। तो बिना देरी के यहाँ वीडियो शुरू करते हैं। तो आपको सबसे पहले बता दूं, ये मैच करारा ओवल क्विंसलैंड के ऊपर खेला जाएगा और ये मैच करीबन दोपहर के 1:40 पर स्टार्ट होगा। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप यहाँ पे बहुत कुछ मिस कर रहे हो। पर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन क्यों करना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ना लाइनअप्स के बाद कोई भी फर्दर अपडेट्स आती है, फाइनल टीम्स आती है, ये मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पे। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कैसे कर सकते हो, मैं क्या करूँगा आपको बताया। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर सबसे टॉप पे पिन करके दे दूंगा, जिसके ऊपर पहले से 1,00,000 लोग जुड़े हुए हैं। तो आप भी उठ सकते हो, लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल इन द कमेंट सेक्शन सबसे टॉप पे पिन करावा मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे पिच रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ये सेम वेन्यू है जहाँ पर 7 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया वुमन वर्सेस इंडिया वुमन के बीच में फर्स्ट T20 मैच खेला गया था। तो अपन ने उस मैच के अंदर क्या देखा था, क्या सीखा था, आपको यहाँ पे स्टैट्स के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा। प्लस दोस्तों मेरे पास ना आपके लिए प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए कुछ फोटोज हैं, तो आपको सबसे पहले लेके चलता हूँ फोटोज के ऊपर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो पिच रहेगी दोस्तों यहाँ पे मैट्रिकॉन स्टेडियम की। इस स्टेडियम को दोस्तों मैट्रिकॉन स्टेडियम के रूप से भी जाना जाता है और दूसरा नाम इसका करारा ओवल क्विंसलैंड है। तो आप पिच को यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, ये पिच कैसी दिख रही है आप देख सकते हो। जो पिच है ना दोस्तों, ये थोड़ी सी आपको ग्रीन टाइप दिख रही है, मतलब क्या हुआ, इस पिच के ऊपर दोस्तों आपको हल्की हल्की ग्रास की लेयर देखने को मिलेंगी। इसका मतलब क्या हुआ, स्टार्टिंग के ओवर्स के अंदर दोस्तों जो पिच है ना वो बहुत तेज बिहेव करती है। इसका मतलब क्या हुआ, स्टार्टिंग के ओवर्स के अंदर ना जो बॉल होती है ना वो बहुत तेज गति से बैट के ऊपर आती है। तो अपन कह सकते हैं दोस्तों स्टार्टिंग ओवर्स के अंदर ना अगर पेसर्स अच्छे टप्पे पे बॉलिंग कराते हैं, गुड लेंथ पे बॉलिंग कराते हैं, तो दोस्तों हल्का सा यहाँ पे मूवमेंट देखने को पिच से मिल सकता है। पर आपने पिछले मैच में देखा था शेफाली वर्मा और दोस्तों स्मृति मंदाना कितने दोस्तों एग्रेसिव मूड के अंदर थी, तो दोस्तों होता ही है। और फिर बाद में स्पिनर्स को लाया गया था तो यहाँ पे दोस्तों विकेट्स गिरे थे लास्ट मैच के अंदर ना, स्पिनर्स ने विकेट निकाले थे। तो स्पिनर्स दोस्तों इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वुमेन्स मैचेस के अंदर ना नॉर्मली जो वुमेन्स होती है ना वो स्पिनर्स को दोस्तों लाइटली खेलती हैं, और सीरियसली कहूँ दोस्तों तो ज़्यादातर मैंने देखा है स्पिनर्स में दोस्तों जो वुमेन्स होती है वो अग्रेसिव होती है और विकेट अपना गवा देती है। ठीक है, आप पिच को यहाँ पे देख सकते हो, ये दोस्तों अपनी हरमनप्रीत कौर है और मैक ग्लेनिंग है दोस्तों। ये लीजेंड्स वर्सेस लीजेंड है दोस्तों, एकदम बेहतरीन मैच आपको फिर से देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों आप एक इसकी, स्टेडियम का व्यू आप देख सकते हो, स्टेडियम कैसा दिखेगा। मैंने ऑब्जर्व करा था दोस्तों लास्ट मैच के अंदर ना जो स्क्वायर बाउंड्रीज थी वो 62 मीटर की थी। ठीक है, शेफाली वर्मा ने दोस्तों स्टार्टिंग के ओवर के अंदर एक सिक्स मारा था, आपको पता रहेगा, ऑफ साइड के ऊपर कवर्स के ऊपर। तो वहाँ पे दोस्तों बाउंड्री डिस्टेंस बताया था 62 मीटर्स। तो अपन कह सकते हैं जो स्क्वायर बाउंड्रीज है वो 62 मीटर की है। ये आप देख सकते हो दोस्तों स्टेडियम का व्यू, ड्रोन व्यू है दोस्तों बहुत खूबसूरत सा। ये पास के अंदर यहाँ पे नदी बहती है छोटी सी, ये आप देख सकते हो। ये दोस्तों स्टेडियम का व्यू है, बहुत ही शानदार सा स्टेडियम है। अब देखो प्रैक्टिकल नॉलेज आपको मैंने फोटो से दिखा दी, अब स्टैट्स के यहाँ पे बात कर लेते हैं। इस वेन्यू के ऊपर एवरेज स्कोर दोस्तों आपको बनता दिखेगा 140-180। ठीक है, नॉर्मली इतना बनना चाहिए। अब देखो जो लास्ट मैच होता है दोस्तों आपको पता ही है वो बारिश के कारण रद्द हो गया था, कॉल्ड ऑफ हो गया था। ठीक है, तो अब देखो अबंडेंट हो गया था। तो अपन ने इस मैच में क्या चीज़ें ऑब्जर्व करी थी, उस मैच के अंदर ना पेसर्स ने भी विकेट नहीं निकाला था। ठीक है, 15-16 ओवर का मैच हो चुका था। ठीक है, अब देखो स्पिनर्स थे उन्होंने यहाँ पे 4 विकेट निकाला था, जो भी पहली पारी में निकाला था, क्योंकि एक ही पारी भी थी। उसके अंदर ऑफ स्पिनर्स के 2 विकेट थे, जो एशली गार्डनर थी। लेग स्पिनर जॉर्जिया वरेम का 1 विकेट था, सोफी मोलिनी का दोस्तों 1 विकेट था, जो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर थी। और दोस्तों मैं आप फिर से रिपीट करता हूँ, सन्नी वेदर दोस्तों यहाँ पर रहेगा, आप खुद गूगल के ऊपर जाके वेदर फोरकास्ट चेक कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ, कोई दिक्कत की बात है नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है। आप देखो ये मैच कब है, ये मैच सैटरडे के दिन है, कितने बजे स्टार्ट होगा आपको पता है, 6:40 पर स्टार्ट होगा ऑस्ट्रेलिया के टाइम के अनुसार। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लियरली मेंशन है कि सनी वेदर दोस्तों यहाँ पर रहेगा। और मैं आपको पहले बता दूं, जो ऑस्ट्रेलिया ना दोस्तों उसके ज़्यादातर जो सिटीज़ वगैरह होती हैं ये ज़्यादातर बीच के पास रहती है, और यहाँ पे पास के अंदर गोल्ड कोस्ट का एक बीच है क्वींसलैंड का, वो दोस्तों यहाँ पे बारिश लेके आता है और बारिश लेके जाता है। तो अपन कह सकते हैं दोस्तों ये अपनी चीज़ें हाथ में होती नहीं है, लेकिन आप वेदर फोकास देख सकते हो दोस्तों, एकदम सनी वेदर यहाँ पे बताया गया है, एकदम क्लियर है दोस्तों लिखा हुआ है, एकदम क्लियरली मेंशन है क्लियर वेदर। फिर यहाँ पे देखो सनी वेदर लिखा हुआ दोस्तों पूरा, तो देखते हैं क्या होता है। अब मैंने आपको दोस्तों ट्रांसपेरेंसी पारदर्शी रखने की कोशिश करी है, वीडियो को लाइक करके स्टार्ट करें दोस्तों, आपसे कहूँगा मैं। बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे न्यूज़ की, तो आपको बताइए रेचल एनस बाहर भी हैं और टाइलर वेलमेनिक दोस्तों आ चुकी हैं। पिछले मैच में 145 किलोमीटर पर आवर पर डाला था, आई थिंक दोस्तों एरर आया था,
स्पीड कैलकुलेट करने में उनसे 145 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, तो अपने बुमराह वगैरह भी दोस्तों नॉर्मली एवरेज स्पीड रहती है इनकी। इंडिया को उनकी बात करते हैं कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो यहाँ पे दोनों टीम्स ने आपस के अंदर 21 मैच खेला है, ऑस्ट्रेलिया 14 बार जीती है, इंडिया 206 बार जीती है, नो रिजल्ट दिख रहा है। एक खास बात बताऊँ आपको, जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया वुमेन के मैचेस ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुए ना, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो क्या हुआ पता है, 9 मैच खेले गए हैं, ऐसे तो 10 मैच हुए पर एक मैच तो रद्द हो गया था ना, आपको बताया था लास्ट जो मैच था, तो 5 ऑस्ट्रेलिया जीती है, 4 इंडिया जीती दोस्तों। एकदम कट टू कट है इनकी लाइनअप्स की बात रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आपको ओपनिंग करते दिखेंगे अलाइस सहली, हार्ड हिटर बैट्समैन, एग्रेसिव प्लेयर है बहुत ज़्यादा, राइटिंग बैट्समैन है, कीपिंग करती है, बैटर सही वर्ड रहेगा, बैट्समैन दोस्तों वुमेंस के लिए यूज़ नहीं करा जा सकता, तो बैटर एक सही वर्ड है। बेथ मोनी, मैग लेनिंग आएंगे, एशले गार्डनर, ये दोस्तों हार्ड हिटर प्लेयर है, लास्ट मैच में अपन ने इसके बारे में बात भी करी थी। फिर आएंगे ऐसे एलाइस पैरी, निकोला कैरी, टाइलर मैकग्रैथ, जॉर्जी अवरेम, सोफी मलोनी, हैरन डार्लिंगटन, टाइलर वालमेनिक। बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे किसकी प्रमुख गेंदबाज होनी चाहिए, यहाँ पे जॉर्जी अवरेम, सोफी मलोनी, टाइलर वालमेनिक और एशले गार्डनर। बात करते हैं यहाँ पे इंडिया मूवमेंट की, स्मृति मंदाना ओपन करेंगे, गिव अवे इनके ऊपर है हैशटैग स्टैट्स गुरुजी, और आपको बताना है यहाँ पर SM स्मृति मंदाना कितने रन बनाएंगी। शेफली वर्मा, जेमेमा रोड्रिगेस, हरमनप्रीत कौर, यशिका भाटिया, है ना, यशिका भाटिया दोस्तों यंगस्टर है बहुत अच्छी, ऋचा घोष, दीप्ति शर्मा, पूजा वस्त्राकर, शिखा पांडे, रेणुका सिंह, इन्होंने लास्ट मैच में डेब्यू करा था, हिमाचल प्रदेश से दोस्तों आती हैं ये, राजेश्वरी गायकवाड़ यहाँ पे आपको खेलते हुए दिखेंगी। प्रमुख गेंदबाज देखो कौन रहेगी, दीप्ति, पूजा, शिखा और ऐसे राजेश्वरी, ये चार सबसे प्रमुख गेंदबाज जो चार चार ओवर डाल देंगी। जो लोगों को नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है चैनल के अंदर दोस्तों, सब्सक्राइब के बगल के अंदर ना एक ऐसा आपको बेल बटन दिखेगा, ठीक है, आपको उस पर क्लिक करके अल पे क्लिक कर देना, इससे क्या होगा आपको वीडियो अपलोड होते हैं सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और आप सबसे पहले कमेंट करके दोस्तों फर्स्ट कमेंट, फर्स्ट लाइक, फर्स्ट शेयर का आपको पता है गिव अवे मिलता है, तो इससे आपको एडवांटेज भी मिलेगा और आप मुझे दोस्तों सपोर्ट दिखा सकते हो चैनल को सब्सक्राइब करके। अब देखो अलिया सैली जब खेलती है इंडिया वुमन के खिलाफ, 16 मैच 27 के एवरेज है, 356 रन है, हाईएस्ट 90-30 प्लस 5 बार गिरा है, पहली पारी में 28 के एवरेज है 9 मैचों में, 225 रन है, वहीं सेकंड इनिंग्स के अंदर 33 के एवरेज है 7 मैच में, 171 रन है। बेथ मोनी आएंगे यहाँ पर, 11 मैच 44 की एवरेज है, 392 रन है, 78 नॉट आउट, 30 प्लस 6 बार गिरा है, ये दोस्तों थोड़ी सी खास प्लेयर है, और आपको पता ही रहेगा जो ICC T20 रैंकिंग है उसके अंदर शेफली वर्मा फर्स्ट के ऊपर है, सेकंड के ऊपर बताऊं दोस्तों कौन है, यही है बेथ मोनी सेकंड के ऊपर है T20 रैंकिंग के अंदर, 392 रन है, हाई 78 नॉट आउट आपको बताई दिया, बैट फर्स्ट में देखो 63 है और बैट सेकंड में 19 के एवरेज है। मैग लेनिंग आएंगे यहाँ पे, ये भी दोस्तों वन ऑफ द लीजेंडरी प्लेयर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट, देखो 16 मैच 33 के एवरेज, 435 रन है, हाईस्ट 49 है, अब आपको यार इतने अच्छे रन करें 435 रन 16 मैच में 30 प्लस के एवरेज है तो दिक्कत कहाँ हुई, दिक्कत ये होती है कि T20s के अंदर ना इनके मोस्ट ऑफ द मैचेस के अंदर 30 से लेके 50 के बीच में स्कोर होते हैं, हर बार कंसिस्टेंटली 40 से 50 पॉइंट्स देती ही है, बस दिक्कत क्या है कन्वर्ट नहीं कर पा रही दोस्तों, बहुत ही शानदार प्लेयर है, 30 प्लस 8 है, बैट फर्स्ट 32 के एवरेज 9 मैच में 253 रन है, बैट सेकंड 36 के एवरेज 7 मैच में 182 रन है। गार्डनर आएंगे 9 मैच में 229 रन है 7 विकेट से, खास प्लेयर है दोस्तों बस वही कहूँगा, ऑस्ट्रेलिया के अंदर दोस्तों सबसे हार्ड हिटर बैट्समैन है, सुपर ओवर भी होगा ना तो एशले गार्डनर को भेजा जाएगा, मेन प्लेयर्स होते हैं ना उनको भेजा जाता है सुपर ओवर के अंदर। अलाइस पैरी 18 मैच 182 रन है, हाईएस्ट 55 है, 22 विकेट्स है, लास्ट मैच में दोस्तों सिर्फ एक ही ओवर डाला था उन्होंने, जब तक 16 ओवर कंप्लीट होने को आ रहा था तब तक, और क्या पता डेथ ओवर में एक दो ओवर लेके आती हैं, बॉल फर्स्ट 9 मैच में 13 है, बॉल सेकंड 9 मैच में 9 विकेट है। निकोला कैरी 5 मैच में 2 विकेट, 14 रन विद द बैट है, हेड टू हेड के अंदर तहला मैकग्रैथ का यहाँ पे 0 विकेट हेड टू हेड के अंदर, T20 करियर के अंदर 131 मैच में 18 की एवरेज है, 1700 रन से, पूरे T20 करियर के अंदर 70 विकेट्स विद द बॉल है, हाई 65 है। जॉर्जिया वरीम 3 मैचों में सिर्फ 1 विकेट अगेंस्ट इंडिया वुमन, सोफी मोलोनी 5 मैच में हेड टू हेड में 2 विकेट, दोस्तों इंपॉर्टेंट यह रहने वाली है क्योंकि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है, इनकी बॉल को पिक करना डिफिकल्ट होता है। तैला वालमेनिक आएंगे यहाँ पे 4 मैचों के अंदर 5 विकेट्स है, इनके पास दोस्तों गति अच्छा टप्पा है, सिर्फ एक ही मैच में विकेटलेस गई है। हैरन डार्लिंगटन का दोस्तों पहली गेंद पे जेमेमा रोड्रिगेस ने चौका मार के शुरुआत करी थी इनकी करियर की T20 की, तो देखते हैं, और दोस्तों अच्छी बॉलर मानी जाती हैं, सिडनी थंडर के लिए बहुत विकेट्स निकाले थे उन्होंने, पर ये दोस्तों इंटरनेशनल लेवल है। स्टार्टिंग ओवर टैला वालमेनिक डालेंगी, अलाइस पैरी दुख को आना चाहिए तो दोस्तों स्टार्टिंग ओवर लेके एशले गार्डनर, बात करते हैं डेथ ओवर में, और टैला वालमेनिक आएंगी, सोफी मोलोनी, जॉर्जिया वरेम, हैरन डार्लिंगटन। बात करते हैं इंडिया वुमन की, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा स्मृति मंदना, वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर फ्रॉम द क्रिकेट टीम इंडिया, कहूँ तो बेटर है। 12 मैच 414 रन, साइज 37 मतलब 37 की एवरेज क्षमा चाहता हूँ,
हाईएस्ट उनका 67 है। अब देखो बैट फर्स्ट 67, 83, 35, 10, 17 है, हाईएस्ट 83 हुआ। सेकंड इनिंग्स के अंदर 29, 22, 14, 3, 55, 66, 11। ऐसे शेफ अली वर्मा 6 मैच में 113 रन, 19 का एवरेज है, हाईएस्ट 49, बैट फर्स्ट है 529, 18, बैट सेकंड 49, 10, 2। जमेम और रोड्रिगेज, ये दोस्तों अच्छी प्लेयर है, बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर है। यूके के अंदर अभी हाल ही के अंदर द 100 के अंदर बहुत रन बना के आ रही थी, आपको याद रहेगा तो, जो नॉर्दर्न टीम थी उसके लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बैट फर्स्ट 1-6-1, 26, 49 नॉट आउट। वहीं बैट सेकंड के अंदर इनका ठीक परफॉर्मेंस रहा, 50-30-2-0। तो अच्छी प्लेयर है वैसे, दोनों पारियों के अंदर अच्छा खेलती हैं, कट अच्छे मारती हैं दोस्तों, बहुत सॉलिड बेस इनका जब खेलती हैं, तब जब इंटेंट रहता है बहुत अच्छा इनका। हरमनप्रीत कौर लास्ट मैच में दोस्तों 5 गेंद के अंदर 12 रन बना के आउट हुई थी, बहुत अच्छी प्लेयर है। 20 मैच में 25 के एवरेज, 433 रन है, बैट फर्स्ट 25, बैट सेकंड 26 के एवरेज है। आएंगे यहाँ पर यष्टिका भाटिया, 15 रन है अगेंस्ट दिस टीम। आई थिंक दोस्तों डेब्यू के लिए थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा इनके लिए, मतलब डेब्यू तो कर चुकी हैं, लेकिन आई थिंक दोस्तों पिछले मैच में वो इंटेंट नहीं था। ऋचा घोष, ये दोस्तों खास प्लेयर है, पिछले मैच में 17 नॉट आउट करा था, ये आएंगी पहली बॉल से दोस्तों बैट घुमाना चालू करेंगे, या तो आर या तो पार। दीप्ति शर्मा का 8 रन, 8 मैचेस में 126 रन, 10 विकेट है। पूजा जी आएंगे यहाँ पे, एक मैच के अंदर 2 विकेट है, प्लस 19 रन है, ये इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे मेरे हिसाब से विद द बैट एंड विद द बॉल। शिखा पांडे 9 मैच में 5 विकेट है। रेणुका सिंह दोस्तों टीम के खिलाफ नहीं खेली है, पर इनका T20 ग्रेड के अंदर 4 मैचों में 3 विकेट है। राजेश्वरी गायकवाड़ का 7 मैच में 10 विकेट है, बॉल फर्स्ट 5 मैचों में 7 विकेट है, बॉल सेकंड 2 मैच में 3 विकेट है। दोस्तों इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकती है राजेश्वरी गायकवाड़। राधा यादव को पिछले मैच में नहीं खिलाया था, इनके स्टैट्स हो गए। पूनम यादव को हो गए 7 मैच में 12 विकेट, खास स्टैट्स हैं इनके। स्टार्टिंग और शिखा पांडे, पूजा जी, रेणुका सिंह, गायकवाड़। डेथ ओवर में शिखा पांडे, पूजा जी आएंगी और यहाँ पे रेणुका सिंह जी आएंगी, ठीक है। डेथ ओवर में कौन आ सकता है, एक स्पिनर आ सकती है दोस्तों, या तो पूनम यादव तो गायकवाड़, जोनों में से कोई खेलेगी ना वो डेथ ओवर में आती है। मैंने स्टैट्स की बात करते हैं, जो सैनिक ऊपर एशले गार्डनर ने 2 विकेट निकाले हैं बॉल फर्स्ट करते हुए, मॉलिने ने 1 विकेट निकाला है, जॉर्जियो अवरेम ने 1 विकेट निकाला है, टेलर वेलमेक ने दोस्तों 0 विकेट निकाला है। वैसे तो निकोला कोरेन ने भी विकेट नहीं निकाला था, फिर वैसे तो लेस फेरेन ने भी विकेट नहीं निकाला था, पर बात यह है कि दोस्तों ये 4 बॉलर्स ने ज़्यादा रोल अदा करा था मैच के अंदर। इंडिया ओवन की बात करते हैं, स्मृति मंदना ने 17 करा था बैट फर्स्ट करते हुए, 17 रन 17। अब देखो ऑस्ट्रेलिया के अंदर ना जब स्मृति मंदना खेलती तो क्या हुआ है, 37 मैच 23 की एवरेज ऑस्ट्रेलिया के अंदर, 737 रन है। इसलिए दोस्तों आप हर प्लेयर के स्टैट्स को समझ सकते हो। शेफाली वर्मा 18 थी, जमेम रोड्रिगेज 49 नॉट आउट था स्कोर इनका, हरमनप्रीत कौर का 12 था, यशिता भाटिया का 15 था, ऋचा घोष का दोस्तों 17 नॉट आउट था, उसमें से 2-3 छक्के तो इनसाइड लग के आए थे इनके। अच्छी प्लेयर है वैसे तो, हमेशा मैं सपोर्ट करता हूँ इंडिया वुमन को, खास टीम है दोस्तों, मेहनत करती है। दीप्ति शर्मा 11 मैच में 171 रन, 12 विकेट है, आप हर प्लेयर के स्टैट्स यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। मैचअप्स की बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे अलाइस एली का स्ट्रगल आप देखो, पूनम यादव के सामने लास्ट 9 पारियों के अंदर ना 5 बार आउट हुई है अलाइस एली पूनम यादव के सामने, और दोस्तों दीप्ति शर्मा के सामने ना ये लास्ट 5 T20 आई के अंदर 2 बार आउट हुई दीप्ति शर्मा के सामने। एशले गार्डनर का दोस्तों इशू लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स के सामने, क्योंकि लास्ट 5 T20 मैचेस के अंदर ना इंडिया के खिलाफ राजेश्वरी गायकवाड़ और राधा यादव के सामने आउट हुई है, सबसे ज्यादा राजेश्वरी गायकवाड़ के सामने। मैग लेनिंग वर्सेज दीप्ति शर्मा लास्ट 4 T20 के अंदर 2 बार आउट कराए। एलाइस पेरी वर्सेज शिखा पांडे लास्ट 3 इनिंग्स के अंदर शिखा पांडे ने 2 बार एलाइस पेरी को आउट कराया, और जो एलाइस पेरी है ये दोस्तों लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स के सामने लास्ट 5 T20 में 3 बार आउट हुई है, ये भी बहुत दिक्कत है, तो गायकवाड़ थोड़ी सी अच्छी पिक हो सकती है। मंदना जी की बात करते हैं, जैसा अपने दोस्तों लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था, नेशनल गार्डनर दोस्तों आएंगी विकेट लेके जाएंगी। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, लास्ट 7 इनिंग्स के अंदर एशले गार्डनर ने दोस्तों स्मृति मंदना को 5 दफा आउट करा है। आपको बताइए दोस्तों एशले गार्डनर ऑफ स्पिनर है, स्मृति मंदना लेफ्टी बैट्समैन है, और ये लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर सामने भी कभी कभी आउट हो जाती है, लास्ट 5 T20 के अंदर 3 बार भी आउट हुई है। शेफाली वर्मा वर्सेस एलाइस पेरी लास्ट 5 T20 में 3 बार आउट हुई है। जमेम रोड्रिगेज इनका स्ट्रगल है टाइलर वेलमिनिक के सामने, लास्ट 5 T20 के अंदर 2 बार आउट हुई है। अब बात करते हैं हरमनप्रीत कौर की, इसके बारे में दोस्तों अपने चर्चा करी थी कि हरमनप्रीत कौर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर सामने फंसती है, क्योंकि ये जो प्रीवियस इनका सीरीज हुआ था ना इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, तब ना ये लास्ट 5 T20 है इसके अंदर ना जेस जोनसन करके एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर उसके सामने आउट हुई थी, और लास्ट मैच के अंदर सोफी मलोनी जो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है उन्होंने उनको आउट करा था। कॉमन कैप्टन अलाइस एली स्मृति मंदना, बड़ी लीग्स में सुनाओ दोस्तों यहाँ पे अलाइस एली को स्मृति मंदना, मैग लेनिंग एशले गार्डनर को, डिफरेंशियल अलाइस पेरी बेत मोनी दीप्ति शर्मा। बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे टीम्स की, क्या रहने वाली यहाँ पे टीम्स।
यहाँ पर कैप्टन एशले गार्डनर, वाइस कैप्टन दूसरे से मैंने एलायस अली को बना रखा है, मैगलेनिंग बेथ मोनी, स्मृति मंदना, जेमे रोड्रिगेस, निकोला कैरी को दोस्तों ले रहा हूँ यहाँ पे मैं, आप जॉर्ज वरियम के साथ जा सकते हो, बहुत बेटर प्लेयर है। दीप्ति शर्मा या पूजा जी यहाँ पर आपको दिख रही है। लास्ट वर्ष तो आई थिंक निकोला कैरी ने दो डाले थे जितना मुझे दोस्तों याद आ रहा है, एक और डेथ ओवर में शायद डाल सकती थी, देखते हैं क्या होता है, पर मोस्टली जॉर्ज वरियम दोस्तों डालती डेथ ओवर के अंदर क्योंकि उन्होंने विकेट्स भी निकाला था और एक तो स्पिनर है तो प्लस फैक्टर उनके पास रहता है। ग्राउंड दोस्तों बड़ा ही है, 62 meters आई थिंक बड़ी बाउंड्री है वुमेंस के लिए वैसे भी। अब देखो बड़ी लीग में क्या करना है दोस्तों, फोकस यहाँ पे करना भी ठीक है। सबसे पहली बात, लाइफ में दोस्तों कभी भी रिस्क लेने से नहीं डरना है। लाइफ में दोस्तों जो नाम बनता है ना किसी भी बंदे का, आप किसी भी उठा के देख लो दोस्तों, नॉट इन द टर्म्स ऑफ फैंटेसी, वो हमेशा कहते हैं दोस्तों मैंने रिस्क लिया था अपनी लाइफ के अंदर, दोस्तों मैं हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठा था। तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा रिस्क ले दोस्तों, दिल की सुने अपनी, किसी को ना देखे वो क्या कर रहा है, क्या टीम्स को दोस्तों कभी कॉपी ना करें। मैं आपको हमेशा दे देता हूँ दोस्तों, मैं खुद होकर आपको यही कहूँगा मेरी टीम्स को कॉपी ना करें, बेटर रहेगा दोस्तों आप खुद के साथ जाएं, अपने दिल के सुने दोस्तों। एट द एंड ऑफ द डे देखा जाता है कि दोस्तों आपने अपने दिल को खुश कराया नहीं करा। जाएंगे एलएस अली, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, पर मैं आपसे वही कहूँगा ये दोस्तों चल गई तो चल गई राम भरोसे, वरना आया राम गया राम, इसका मतलब क्या हुआ, ये दोस्तों ऐसी प्लेयर है ये पहली बॉल से मारना चालू करेंगी या तो दोस्तों आर या तो पार। ये बहुत अच्छी प्लेयर है दोस्तों, जब इसका दिन होता है ना इनका तो बहुत अच्छे मूड में खेलती है, और जिस दिन नहीं हुआ तो जल्दी आउट होकर चले जाती हैं। ऋचा घोष ये दोस्तों नीचे खेलती हैं, पर अपन कह सकते हैं दोस्तों अजय ग्रेट से और अपन को देख सकते हो, ये भी बहुत अच्छी प्लेयर है। रॉबर्ट हरिकिन्स के लिए इस बार वुमेंस बिग बैश लीग के अंदर खेलने वाली है। वंदना जी की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे टैलेंटेड प्लेयर है और लास्ट मैच में इंटेंट अच्छा था लेकिन विकेट गंवा दी अपनी। वहाँ पर बेथ मोनी अच्छी प्लेयर है, जेमे रोड्रिगेज दोस्तों खास प्लेयर है, लास्ट मैच में अलग ही इंटेंट था इनका। शेफाली वर्मा ये आएंगे दोस्तों पहले ओवर के अंदर मारना चालू करेंगे, तो ऐसा होता है कि आप हर बॉल पे मारने के लिए देखते हो ना तो आपका विकेट भी जा सकता है, तो उन्हीं में से आएंगे तो रन भी बहुत जल्दी स्कोर करती है, बोनस भी आपको जल्दी देगी, चौके छक्के के पॉइंट्स भी दे देगी, पर जल्दी आउट हो जाती है कभी कभी, है तो प्लेयर बहुत खास। मैगलेनिंग ये भी दोस्तों अच्छी प्लेयर है, हरमनप्रीत कौर दोस्तों एक अच्छी प्लेयर है, तो मैं आपको सीरियसली कहूँ दोस्तों आपके पास बहुत ऑप्शन है इस बार बैटर के अंदर, कम से कम आपके पास 6 options तो हैं यहाँ पे अवेलेबल। चलते हैं यहाँ पे ऑलराउंडर सेक्शन में, एशले गार्डनर दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेंगी, दीप्ति शर्मा दोस्तों मुझे इंपॉर्टेंट पिक लग रही है, अलायस फेरी ने दोस्तों लास्ट में सिर्फ एक ही ओवर डाला था, वैसे तो बहुत अच्छी प्लेयर मानी जाती हैं तो आप इनको ट्राई जरूर कर सकते हो। फिर यहाँ पे तैला मगरा दोस्तों पहले ओवर के अंदर दो इनसाइडेज लग के ऋचा घोष के इनको से ओवर ही नहीं कराया था, निकोला कैरी दोस्तों ज़्यादा ओवर डालेंगे एज कम्पेयर टू तैला मगरा। फिर आएंगे यहाँ पे मोलोनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वरियम दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी, और यहाँ पे एक और प्लेयर है तैला वलमेरे, इसको दोस्तों जनता लेगी नहीं आई थिंक, ये इसलिए दोस्तों स्पेशल टैलेंट है, गति बहुत ज़्यादा है, टप्पा दोस्तों अच्छा, तो पिछले मैच में लकी थी शेफाली वर्मा, स्मृति मंदना विकेट गया नहीं था, ये दोस्तों किसको आउट करेगी आपको पता है, तैला वलमेरे, ये ओपनर्स को आउट करेंगे क्योंकि स्टार्टिंग के 3 ओवर होते हैं ना पावर प्ले के, पहला ओवर, तीसरा ओवर, फिर यहाँ से आप 5वां ओवर समझ लो ठीक है, ये लगातार ओवर्स डालती हैं तो उसमें विकेट्स मिलेगा ना, तो ये ओपनर्स को ही आउट करेंगी, तो आप इनको लेते हो तो ओपनर्स को ड्रॉप करना किसी एक को या फिर दोनों को ड्रॉप कर सकते हो। पूजा दोस्तों एक अच्छी प्लेयर है, ऑलराउंडर है, और हैनन डलेटिन दोस्तों मुझे अच्छी प्लेयर लगती है लेकिन दिक्कत क्या है, लास्ट मैच में 1-2 ओवर ही डाला मुश्किल से, गायकवाड़ दोस्तों एक अच्छी मैचअप पिक है। और कोई भी फर्दर अपडेट्स आएगी आपको दे दूंगा टेलीग्राम के ऊपर कैसे जुड़ना है, लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल इन द कमेंट सेक्शन सबसे टॉप पे पिन करा हुआ मिल जाएगा। चैनल पे दोस्तों न्यू हो तो सब्सक्राइब करके जा सकते हो, बेल आइकन है हिट कर सकते हो, और दोस्तों लाइफ में खुश रहें, आपको ये कहूँगा लाइफ एक बार मिलती है, लाइफ को दोस्तों इन्जॉय करें, किसी चीज़ का टेंशन ना लें, ठीक है, तो टेक केयर, और दोस्तों सब लाइफ में अच्छा होगा समय के साथ, बस हार्ड वर्क करते रहें। लव यू गाइस, जय हिंद, टेक केयर, दुआ में दोस्तों यहाँ पे याद रखना।